एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा क्राफ्ट। ये अमीगुरुमी टॉयज बहुत ही क्यूट है और बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। आज मैं बनाऊंगी ये क्यूट सा अमीगुरुमी टॉयज। बहुत ही क्यूट है ये और बहुत कम यार्न में बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी ऑरेंज कलर का। ये वॉस्टेड वेट यार्न है, पोपला यार्न है और बहुत ही लाइट वेट है। ऑरेंज के साथ मैं ग्रीन यूज़ करूंगी, लाइट ग्रीन है। ये भी वॉस्टेड वेट यार्न है, पोपलाई। इसके साथ मैं यूज़ करूंगी डार्क ग्रीन। ये एक्रेलिक यार्न है और ये भी पोपलाई यार्न है। इसके साथ इसे बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी क्रोशेट हुक 3mm का, 8mm के सेफ्टी आइज, टेपेस्ट्री नीडल, लगभग 20 सेंटीमीटर के एल्युमिनियम वायर है ये। इसके साथ ही थोड़े से यार्न है, ब्लैक और वाइट कलर के कॉटन यार्न है ये पोपलाई। और फिलिंग के लिए ये फाइबर फिल यूज़ करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड बनाऊंगी। तो हेड बनाने के लिए मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का यार्न लिया है और सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाऊंगी। मैजिक रिंग बना लिया है। अब इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इस रिंग को खींच करके यार्न को और छोटा करूंगी। पहला राउंड पूरा हो गया है। दूसरे राउंड के लिए स्टार्ट करने से पहले एक मार्कर यार्न लगाऊंगी। अब दूसरे राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक स्टिच में इंक्रीज करना है। ट्वेल्व सिंगल क्रोशिया बना लिया है मैंने और दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। हर दूसरे स्टिच में इंक्रीज करना है। 6 टाइम इंक्रीज करेंगे इस राउंड में, थर्ड राउंड में, और टोटल 18 स्टिचेस बनेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज। टोटल 18 स्टिचेज बन गए हैं इस राउंड में। अब फोर्थ राउंड के लिए मार्कर यार्न को टर्न करेंगे और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फाइव सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इंक्रीज करेंगे इसी तरह से 5 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज 3 टाइम करना है इस राउंड में। टोटल 21 स्टिचेस बनेंगे फोर्थ राउंड में। फोर राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब फिफ्थ टू सेवन राउंड 3 राउंड्स 1 सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में बनाना है और 3 राउंड कंप्लीट करना है। सेवन्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब एट राउंड के लिए मार्कर यार्न को टर्न करेंगे और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद डिक्रीज, फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिक्रीज करेंगे। इसी तरह से 3 टाइम डिक्रीज करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया बनाकर। तो टोटल इस राउंड में 8 18 स्टिचेस बनेंगी।
अब 9th राउंड में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 18 स्टिचेस बनेंगे। 9th राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब 10th राउंड स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी आईज लगानी होगी। सेफ्टी आईज लगाने के लिए 6-7 राउंड के बीच में लगाएंगे, 6-7 राउंड के जस्ट बीच में लगाएंगे सेफ्टी आईज को, और दोनों आईज के बीच में 6 स्टिचेस का डिफरेंस होगा। इस तरह से आईज को मैंने लगा दिया है। अब इसके पीछे का जो ये लॉक है ये लगा दूंगी। आईज मैंने फिक्स कर दिया है। अब 9th राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। 10th राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद डिक्रीज करना है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करना है। इसी तरह से 6 टाइम डिक्रीज करना है, 1 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज। टेंथ राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। टोटल 12 स्टिचेस बने हैं इस राउंड में। अब 11th राउंड के लिए 3 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करना है, 3 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करना है। अब 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है लास्ट में। 11th राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने और टोटल इस राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया बने हैं। 11th राउंड कंप्लीट करने के बाद 12-19 राउंड तक 8 राउंड 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है हर एक राउंड में, हर एक स्टिच में, और हर एक राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो 12-19 राउंड तक 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है हर एक स्टिच में, और हेड का पार्ट पूरा हो जाएगा इसे बनाने के बाद। तो यार्न को कट कर देंगे 19 राउंड कंप्लीट करने के बाद। हेड बना के कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसमें स्टफिंग और एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो वो मैं बाद में करूँगी। इसके बाद इसकी शेल बनाऊँगी, ये वाला पार्ट। इसके लिए ऑरेंज और डार्क ग्रीन कलर का यार्न को मैं मिक्स करूँगी साथ में। शेल बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाऊँगी। मैजिक रिंग बना लिया है। अब इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इस मैजिक रिंग को छोटा करूंगी। मार्कर यार्न लगाऊंगी। पहला राउंड पूरा हो गया है। दूसरे राउंड के लिए 6 टाइम इंक्रीज करना है। एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे इस राउंड में।
सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब राउंड थ्री बनाऊंगी। राउंड थ्री के लिए इंक्रीज करूंगी फर्स्ट स्टिच में और वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट स्टिच में। इसी तरह से इंक्रीज सिंगल क्रोशिया और वन सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज सिंगल क्रोशिया, फिर वन सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सिक्स टाइम इंक्रीज करना है और टोटल इस राउंड में 18 स्टिचेस बनेंगी। राउंड फोर के लिए इंक्रीज करूंगी फर्स्ट स्टिच में और उसके नेक्स्ट स्टिच में, नेक्स्ट टू स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से इंक्रीज, टू सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, टू सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करना है और राउंड फोर में टोटल 24 स्टिचेस बनेंगे। अब राउंड फाइव बनाऊंगी। मार्कर यान को टर्न कर दिया है। राउंड फाइव के लिए इंक्रीज करूंगी और थ्री सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट थ्री स्टिचेस में। नेक्स्ट में इंक्रीज करूंगी और थ्री सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से इस राउंड में 30 स्टिचेस बनेंगे। थ्री सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, थ्री सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 30 स्टिचेस बना करके और इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिफ्थ राउंड को कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब सिक्स्थ एंड सेवन राउंड, टू राउंड हर एक स्टिच में वन सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल 30 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक राउंड में। सेवेंथ राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने और उसके बाद जो डार्क कलर का यान है उसे कट करके निकाल दिया है। लाइट कलर का यान है उसे उसके साथ ही अब आगे वर्क करना है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है मैंने नेक्स्ट स्टिच में और दो चेन बनाऊंगी। अब इसी स्टिच में एक पफ स्टिच बनाऊंगी थ्री टाइम हुक में यान को लेकर के और फिर से दो चेन बनाऊंगी इस तरह से और इसके नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। फिर से दो चेन बनाऊंगी और उसके नेक्स्ट स्टिच में एक पफ स्टिच बनाऊंगी थ्री टाइम हुक में लेकर के यान को और निकालना है और स्लिप स्टिच से इसको ऐड करना है और टू चेन बना करके नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर से टू चेन और एक पफ स्टिच नेक्स्ट स्टिच में। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है और लास्ट में आकर के यहाँ पर और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और यान को कट करके निकाल देना है। शेल मैंने बना लिया है। अब लेग्स बनाऊंगी। लेग्स के लिए ग्रीन यान लूंगी लाइट ग्रीन कलर का और मैजिक रिंग बनाऊंगी मैजिक रिंग। अब इस मैजिक रिंग में सिक्स सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी।
एक सिंगल क्रोशिया बना लिया मैजिक रिंग को, थोड़ा सा छोटा किया मैंने, और अब मार्कर यार्न लगाऊंगी। दूसरे राउंड के लिए वन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, वन सिंगल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है, फिर से वन सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, फिर से वन सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज। दूसरे राउंड में टोटल 9 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। यार्न को टर्न करूंगी तीसरे राउंड के लिए। तीसरा और चौथा राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, हर एक राउंड में 9 सिंगल क्रोशिया दोनों राउंड में। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में भी एक एक सिंगल क्रोशिया। फोर्थ राउंड भी बना लिया मैंने, अब फिफ्थ राउंड में डिक्रीज करना है। स्टार्टिंग में डिक्रीज और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया और फिर से डिक्रीज करना है। डिक्रीज, अब सिक्स्थ राउंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर एक स्टिच में 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे सिक्स राउंड में, और यार्न को कट कर देना है, तो ये छोटा सा ये लेग का पार्ट तैयार हो जाएगा। लेग मैंने बना लिया है, इसी तरह से 3 और रेडी कर लिए हैं मैंने, टोटल 4 हो गए। टेल बनाऊंगी ग्रीन कलर से ही, मैजिक रिंग बनाऊंगी एक, और इस मैजिक रिंग में 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 सिंगल क्रोशिया, यार्न को खींच करके छोटा करूंगी, और अब इंक्रीज करूंगी, टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे दूसरे राउंड में। एट सिंगल क्रोशिया बन गया है, अब 3-4 राउंड 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, दोनों राउंड में 8 सिंगल क्रोशिया, और यार्न को कट कर देना है 4 राउंड बनाने के बाद। टेल मैंने बना लिया है इसका, अब इसकी बेली बनाऊंगी, इसके लिए भी ग्रीन कलर का यार्न लूंगी। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाना है और 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें, सिक्स सिंगल क्रोशिया, यार्न को खींच करके और रिंग को छोटा करूंगी। अब इसमें मार्कर यार्न लगाऊंगी, और अब सेकंड राउंड में मैं 12 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, हर एक स्टिच में इंक्रीज करूंगी। दूसरा राउंड बना लिया है मैंने, अब थर्ड राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करूंगी, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, इसी पैटर्न के साथ इस राउंड को कंप्लीट करना है, और लास्ट में टोटल 18 स्टिचेस बनेंगे। थर्ड राउंड बना लिया है मैंने, अब फोर्थ राउंड के लिए 2 सिंगल क्रोशिया 2 स्टिचेस में, और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करना है
टू सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज। इसी तरह से इसी पैटर्न से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, फोर्थ राउंड को, और इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने, अब फिफ्थ राउंड और सिक्स्थ राउंड, दो राउंड और बनाने हैं। तो इन दो राउंड्स में जैसे पहले टू सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज का जो पैटर्न मैंने बनाया, उसी तरह से अब टू सिंगल क्रोशिया की जगह पे फिफ्थ राउंड में थ्री सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज होगा, और सिक्स राउंड में फोर सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, फोर सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, इसी तरह से सिक्स राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इन दोनों राउंड को बनाती हूँ और फिर इसको कंप्लीट करती हूँ। बेली, शेल, हेड और लेग्स के साथ टेल भी मैंने बना लिया है, अब इसको असेंबल करना है। हेड के लिए मैंने आईज पहले लगाई थी, उसके बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी की है वाइट कलर के यान से, आईज में किया है, और आईब्रोज और माउथ को ब्लैक कलर के यान से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर दी है थोड़ी सी स्टफिंग करने के बाद। अब इसका असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले लेग्स को इसमें ज्वाइन करेंगे इस तरह से बेली में, और टेल को भी ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले ये करेंगे, स्टिच कर देंगे इसको। उसके बाद शेल को, हेड को भी ज्वाइन कर देंगे इसी तरह से। तो सबसे पहले मैं ये ज्वाइन करती हूँ। एल्यूमिनियम वायर को मैंने इस तरह की शेप का बना दिया है फोल्ड करके, और लेग्स और टेल को इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। अब इस वायर को इस तरह से यहाँ पे इसको भी मैं फिक्स कर दूँगी स्टिच करके, और ये वाला पार्ट हेड के अंदर जाएगा जिससे कि हेड को मूव कर सके। तो मैं ये स्टिच करूँगी और इसको फिल करके और इस पर लगा करके, और शेल को भी फिल कर दूँगी फाइबर से, और यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर दूँगी बेली के साथ में, ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से स्टफिंग करके, और स्टिचिंग कर रही हूँ मैं। इसी तरह से ही स्टफिंग करते हुए और इसको दबाते हुए और इसकी स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग मैंने कर दी है, और ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा टर्टोइज तैयार हो गया है, रेडी है ये पूरी तरह से। और इसके अंदर जो वायर डाला है उसकी वजह से इसके हेड को बेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आपके कुछ सुझाव हो मेरे लिए वो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ फिर एक नया क्राफ्ट लेकर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।